आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआईजी पंकज कंबोज पहुंचे गिरिडीह, नगर व मुफस्सिल थाने का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाद में श्री कंबोज पत्रकारों से भी हुए मुखातिब। रेशम विभाग की ओर से नगर भवन में आयोजित की गई कार्यशाला, विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यशाला में रहे मौजूद। रेशम किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां। झारखंड ओलंपिक की मशाल पहुंची गिरिडीह, जिला संघ ने मशाल को लेकर निकाली रैली। बाद में इस मशाल को कोडरमा टीम को किया गया सुपुर्द, खिलाड़ियों को दी गई शुभकामनाएं। और कार्मेल स्कूल में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित किया गया योग शिविर, सूर्य नमस्कार से छात्र छात्राओं को कराया गया रूबरू, बताए गए इस आसन के फायदे। अब खबरें विस्तार से। डीआईजी पंकज कंबोज मंगलवार को अपने एक दिवसीय गिरिडीह दौरे पर थे। यहां उन्होंने नगर तहसील थानों का निरीक्षण किया, साथ ही पुलिस कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी पंकज कंबोज मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने नगर और मुफस्सिल थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक एक संचिका को खंगालते हुए कितने मामलों का पर्यवेक्षण व अनुसंधान शेष रह गया है इसकी पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने संबंधित थाना में कई खामियों पर चर्चा की। उन्होंने दोनों थानेदार को कार्य में प्रगति लाने सहित कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के पश्चात श्री कंबोज पचम्बा समेत यातायात थाना प्रभारी से मिलकर केस से संबंधित कई तरह के निर्देश जारी किए, साथ ही कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। इन सब कामों से फारिंग होकर श्री कंबोज पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि यहाँ के पदाधिकारी बेहद मेहनती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आगे ये अपने कार्य में सुधार लाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय का निर्देश है कि 3 वर्ष से अधिक के जो लंबित मामले हैं उसका निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए। फरारी, भगोड़े अपराधी, नक्सली के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों पर 174 के तहत केस रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि जो भगोड़े अपराधी हैं उनके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है। पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत कार्रवाई के बाद न्यायालय में सरेंडर किया गया है। ऐसे अपराधियों पर अलग से केस करने संबंधी निर्देश डीआईजी कार्यालय से निर्गत हुआ है, जिसमें 3 से 7 साल तक का अलग से सजा का प्रावधान है। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस, केंद्रीय एजेंसी सीआरपीएफ आदि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। 1 सप्ताह पहले ही बिहार में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और उसमें रणनीति बनी है कि दोनों राज्यों के पुलिस मिलकर काम करेगी। जो निरीक्षण की प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस निरीक्षक जो टाउन थाना है उनका, उनके कार्यालय का और यहाँ का मुफस्सिल थाना का निरीक्षण का कार्यक्रम आज रखा हुआ है। और उसमें मुख्य रूप से जो 3 बरस से अधिक पुराने केस लंबित हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी फरारी हैं थाना के, उनमें क्या कार्रवाई हुई है पिछले 4 महीने में उसका रिव्यू कर रहे हैं। और थाना के जितने रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड सही से संधारित हैं या नहीं है, वो सब चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव पास में है सर, इसको लेकर बॉर्डर वाले इलाके में भी कोई अभियान अलग से चलाया जा रहा है क्या? उसमें हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ही 4-5 दिन पहले एक बैठक की थी बिहार राज्य के पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ, हजारीबाग में भरी में हुई थी इंटर स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग।
और उसके तहत अभियानों की रूपरेखा और जो अपराधी हैं इधर के वांछित अपराधी गिरिडीह जिला के जमुई में यदि हैं, नवादा में हैं और वहाँ के यदि कोई सूची है जो यहाँ पे हैं वहाँ के वांछित यहाँ के रहने वाले हैं, उस सूची का आदान प्रदान और हर महीने इस प्रकार की बैठक पुलिस अधीक्षक स्तर पे और 15 दिन पे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी स्तर पे भी ये निर्देश दिया गया कि बैठक आयोजित हो जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो, क्या कार्रवाई की जा रही है दोनों तरफ से उसका आदान प्रदान हो और उसके अलावा दोनों तरफ से सामंजस्य स्थापित करके और जो भी अपराधी हैं या नक्सली हैं उन पर कारगर कार्रवाई हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर मंगलवार को आरके महिला कॉलेज में एक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लाइव टेलीकास्ट कराते हुए प्रधानमंत्री के वक्तव्य को आत्मसात करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेवरेट शो मन की बात का लाइव टेलीकास्ट मंगलवार को देश भर में किया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूल कॉलेजों में उनके टेलीकास्ट को छात्र छात्राओं को दिखाया गया। गिरिडीह की आरके महिला कॉलेज में भी छात्राएं मन की बात से रूबरू थी। मौके पर प्रिंसिपल पुष्पा सिन्हा, एस के राय, रामकृष्ण यादव, महेश अमन, पूरन कुमार साहू, संगीता सिंह, इंदु सिंह, संजय कुमार साहू, अमित कुमार, राजकुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि प्रधानमंत्री आज मन की बात के माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बच्चों से कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर चर्चा की जा रही थी। प्रिंसिपल श्रीमती सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य छात्र छात्राओं के लिए बेहद लाभप्रद साबित होगा। आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आ रहा है, लाइव टेलीकास्ट है, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा की बात मोदी जी के साथ। ये छात्राओं, टीचर और अभिभावक तीनों के लिए है। हमने महाविद्यालय में भी इसकी व्यवस्था की कि हम छात्राओं को, टीचर्स को ये कार्यक्रम को दिखा सके। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा के समय में छात्राओं में जो तनाव उत्पन्न होता है परीक्षा को लेकर, उससे छात्र कैसे मुक्त होवें, वे स्वाभिमान के साथ और स्वस्थ वातावरण के साथ शांत मस्तिष्क से अपने परीक्षा की तैयारी करें। माननीय प्रधानमंत्री, आज देश के तमाम युवाओं को परीक्षा पे चर्चा पर अपनी बातें रखना है। देश के लोग, युवा, गार्जियन, शिक्षक उनसे जुड़े हुए प्रश्न उनसे कर रहे हैं और वे अपनी तजुर्बा को लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरा ख्याल है ये माननीय प्रधानमंत्री होने का बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। वो डायरेक्ट युवाओं से जुड़ रहे हैं और ख़ास करके जो परीक्षा के दिनों में जो तनाव बच्चों में होता है, जो तनाव उनके शिक्षकों के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा बच्चों में प्रसारित होती है, शायद बच्चे उससे बचेंगे और हमारा देश और निकलेगा, शिक्षा के जरिए और तरक्की कर पाएगा। कुम्हार लालों में आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम तकनीकी कारणों से स्थगित हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आम लोगों की समस्याओं से रूबरू होना था। गिरिडीह जिले के अति उग्रवाद प्रभावित पीरचांद प्रखंड के कुम्हार लालों में मंगलवार को मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सूबे के मुखिया रघुवर दास जनता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू होने वाले थे, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण यह प्रशासनिक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सका, जिससे कुम्हार लालों के ग्रामीणों में मायूसी है। दरअसल कुम्हार लालों पंचायत भवन में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री और जनता के बीच सीधी बात के तहत जनसंवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लेकर बड़े स्क्रीन की LCD TV के साथ सैटेलाइट OV वैन की व्यवस्था की गई थी। तय समय के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण मुख्यमंत्री जनता से रूबरू नहीं हो सके। सीधी बात कार्यक्रम में कई जटिल समस्या को लेकर ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री उन लोगों की समस्या को सुनना चाह रहे थे जो जनसंवाद में अपनी समस्या को रख चुके हैं। इस मौके पर डुमरी की SDM प्रेमलता मुर्मू, BDO नूतन कुमारी, प्रमुख सिकंदर हेम्ब्रम, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष शरद भक्त समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जी सर, आपकी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है? कुमार लालो पंचायत के मधुबन कुमार। जी सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज को। उपस्थित सर, शिकायत करता उपस्थित है सर यहाँ। विभाग द्वारा रेलवे काज के लिए ली गई है, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। मेरा जमीन मकान भी तोड़ दिया गया है सर, हम बेघर हो गए हैं। नहीं जा रहा होगा उनके कारणों से हम लोग नहीं बात कर पाए CM के साथ। यहाँ के लोग बड़ा उत्साहित होकर के यहाँ पर जमा हुए थे कि आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट CM के साथ, लेकिन आज मौसम कुछ खराब हो गया और यहाँ के लोग नहीं बात कर पाए। हम लोग आगे कोशिश करेंगे, फिर इन लोगों का बात कराएंगे। कितना सफल रहा है आज जनसभा? चूंकि यहाँ से कोई शिकायत ऐसा इनरोल्ड नहीं था, लेकिन CM सर को जानना चाह रहे थे कि यहाँ के ग्रामीणों को जो कभी पूर्व में शिकायत किए हैं तो उसका सुनकर मिला है कि नहीं, कहाँ जवाब मिला है कि नहीं। बात करने का प्रयास करवाया गया, लेकिन आगे नगर भवन में मंगलवार को रेशम विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर रेशम किसानों को आवश्यक जानकारियां दी गई। सहायक रेशम उद्योग निदेशक के तत्वाधान में मंगलवार को नगर भवन में रेशम किसानों का एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशक उदय प्रताप, उद्योग विभाग के गिरिडीह महाप्रबंधक कैलाश प्रसाद, भारत सरकार के वैज्ञानिक गिरिजी और शैल्य राज ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यशाला के दौरान बेंगाबाद, डुमरी, धनबाद और बोकारो के रेशम किसानों को कंबल देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यशाला को संबोधित करते हुए निदेशक उदय प्रताप ने रेशम की खेती को नारी सशक्तिकरण और रोजगार के अभाव में महिला पलायन को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि तस्कर का उत्पादन के लिए महिलाएं अगर रेशम की खेती सही तरीके से करती है तो महिलाएं हर स्तर पर आय का साधन जुटा सकती है। निदेशक ने बेंगाबाद उग्र परियोजना को राज्य का सबसे बड़ा परियोजना केंद्र बताते हुए कहा कि हर साल 10 लाख क्विंटल बीजों का उत्पादन बेंगाबाद में किया जा रहा है। निदेशक ने राज्य को देश का दूसरा सबसे बड़ा तस्कर उत्पादन वाला राज्य बताते हुए तस्कर किसानों को इसका श्रेय दिया। निदेशक ने कहा कि जंगल से जुड़े लोग ही तस्कर की खेती को सही तरीके से कर सकते हैं। निदेशक ने रेशम विभाग के कर्मियों की समस्याओं को लेकर भरोसा दिलाया कि कर्मियों को अपनी समस्या के प्रति परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहायक निदेशालय कर्मियों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास में है। इस बीच उद्योग विभाग के GM प्रसाद ने कार्यशाला में मौजूद ग्रामीण महिलाओं को तस्कर की खेती पूरे उत्साह के साथ करने का सुझाव देते हुए कहा कि रेशम उत्पादन से जुड़े तस्कर की खेती के लिए सरकार अनुदान पर हर संसाधन मुहैया कराती है। खेती के लिए सिर्फ 5 दिनों के प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रशिक्षण के बाद रेशम उत्पादन महिलाएं कर आय का साधन जुटा सकती है। इस बीच कार्यशाला को वैज्ञानिक गिरिजी के अलावे बेंगाबाद उग्र परियोजना के पदाधिकारी पीताम्बर झा ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यशाला में मौजूद तस्कर किसानों की समस्याओं से भी पदाधिकारी रूबरू हुए, जबकि कार्यशाला में निदेशक ने बताया कि साल 2018-19 में जितना लक्ष्य तस्कर उत्पादन का रखा गया था उससे अधिक उत्पादन 5,000 मैट्रिक टन को हो चुका है। इस कार्यशाला में रेशम पदाधिकारी राज रंजन वर्मा, उग्र परियोजना पदाधिकारी मोहम्मद नईमुद्दीन समेत कई पदाधिकारी, कर्मी और किसान मौजूद थे। और परियोजनाओं के प्रबंधक, तकनीकी पदाधिकारी की नियुक्ति होने वाली है। वे 10-15 वर्षों से लगातार रेशम की परियोजनाओं को, रेशम कृषकों को अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं कार्यशाला में मार्गदर्शन दिया है और मैं
अपने सभी कृषक रेशम कृषकों को बहुत बहुत इस कार्यशाला में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ और उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं आमने सामने दूर करने के लिए और उनको उनसे जानकारी प्राप्त करके आगे भविष्य की योजना बनाने के लिए मैं इस कार्यशाला में भाग लिया हूँ। और जो झारखंड मुख्य समस्या है नारी सशक्तिकरण देश की समस्या है, तो यह रेशम उद्योग है जिसे नारी सशक्तिकरण का एक माध्यम है, पलायनवाद रोकने का एक माध्यम है और देश में जो बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या है उसको दूर करने का सतही स्तर पर निचले स्तर पर एक सशक्त माध्यम है। सामाजिक स्थिति उठा सकते हैं, अपना परिस्थिति अपने परिवार को उठा सकते हैं, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत से ज़्यादा कम अवधि में ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हम यही अनुरोध करते हैं सभी किसान भाई बहनों से, अपने घर में ही रहकर पारिवारिक जुड़कर इस उद्योग में तसर उद्योग में लगकर अपना कार्य कर अपना उन्नति करें। जी सर, इसमें कितने लोगों को सर बेस्ट परफॉर्मेंस करने में ये किया गया? हाँ, अभी तत्काल 4 कृषक है, एक तो है रेशम दूत, दूसरा है बीज कीट पालक, तीसरा है नाभिकीय कीट पालक और चौथा है वाणिज्यिक कीट पालक। ये 4 जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं अपने कार्य में उन्हें एक एक पुरस्कार। झारखंड ओलंपिक की मशाल मंगलवार को गिरिडीह पहुंची। यहां जिला ओलंपिक संघ से जुड़े लोगों ने इस मशाल को लेकर एक रैली निकाली, बाद में इस मशाल को कोडरमा के प्रतिनिधियों के सुपुर्द कर दिया गया। आगामी 9 फरवरी से रांची में झारखंड ओलंपिक संघ की ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर इन दिनों राज्य के सभी जिलों में ओलंपिक मशाल रैली निकाली जा रही है। मंगलवार को गिरिडीह में भी इस रैली को निकाला गया। इस रैली से पूर्व गिरिडीह ओलंपिक संघ के दिवंगत सदस्य रविंद्र सिंह को श्रद्धा सुमन देने के लिए झंडा मैदान में 2 मिनट का मौन रखा गया। बाद में इस ओलंपिक मशाल को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों का भ्रमण किया गया। मौके पर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष गुलाम रब्बानी, सचिव प्रदीप दाराद, त्रिभुवन दयाल, गुणवंत सिंह सलूजा, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, चुन्नूकांत, नरेंद्र सिन्हा, बच्चन खान, मुकेश कुमार, अरुण कुमार, अशफाक खान, मोहम्मद इरशाद आलम, शैवाल गुप्ता, अशोक यादव, नवन सिन्हा आदि मौजूद थे। बताया गया कि झारखंड ओलंपिक की सफलता की कामना के साथ रांची से यह मशाल विभिन्न जिलों का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में धनबाद से इस मशाल को लाया गया है और यहां मशाल रैली निकालने के बाद इसे कोडरमा ओलंपिक संघ को सौंपा जा रहा है। जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने गिरिडीह जिला के खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की शुभकामनाएं दी है। ओलंपिक टॉर्च है वो हर गिरिडीह के हर जिला में, झारखंड के हर जिला में जाएगी। ये कल आई थी धनबाद से आज आई है गिरिडीह और गिरिडीह से अब कोडरमा जाएगी, कोडरमा से हजारीबाग। आपका मशाल जो है जिसको बोलते हैं टॉर्च रैली के रूप में ये हर सब जिला में भ्रमण कर रहा है, उसी क्रम में आज हम लोग धनबाद से इसको लाए और अभी एक हम लोग कोडरमा को सौंप रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गिरिडीह के लोग जो पार्टिसिपेट किए हैं तो वो गिरिडीह जिला के साथ साथ झारखंड का नाम भी रोशन कर सकते। और ये जुलूस इस बात को इशारा करता है कि गिरिडीह में खेल का जो इच्छा है और खेल का जो भावना है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छे कर रहे हैं और ये मशाल यहाँ के खिलाड़ियों का जो है मनोबल को पूरा बढ़ाएगा और ये खिलाड़ी हमारे यहाँ से अच्छा करेंगे। क्रीड़ा भारती की ओर से मंगलवार को कार्वेल स्कूल में सूर्य नमस्कार को लेकर एक कार्यशाला आयोजित किया गया। मौके पर क्रीड़ा भारती से जुड़े पदाधिकारियों ने छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार की विशेषताओं की जानकारी दी। क्रीड़ा भारती के सौजन्य से मंगलवार को कार्वेल स्कूल में एक दिवसीय सूर्य नमस्कार प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मौके पर क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, सदस्य सुधन आनंद, सत्यम, केसरी नंदन पाठक, धर्मवीर आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं मौके पर विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर दिव्या,
मंजू सेठ समेत विद्यालय से जुड़े अन्य कई लोग भी उपस्थित थे। यहां छात्र छात्राओं को सूर्य नमस्कार के लाभ की जानकारी दी गई। बताया गया कि इससे शरीर को निरोग व स्वस्थ बनाने के लिए सूर्य नमस्कार एक बेहद ही प्रभावी क्रिया है। इसको आत्मसात करने से मानव शरीर क्रियाशील और तेजस्वी होता है, साथ ही शारीरिक मानसिक व सामाजिक वातावरण को दुरुस्त बनाने में यह क्रिया बेहद सहायक है। उसके बाद शर्म की भांति ऐसा हुए थे बोले भुजंग आसन, दूसरा कमर से उठकर पर्वत के समान उठे थे अधोमुख स्वान आसन। ये सूर्य नमस्कार हम सब सात प्रकार के आसन करते हैं। इसे सूर्य नमस्कार केवल अकेला नहीं, वो आसनों का एक समूह है। इसलिए हम सबको भी प्रत्येक दिन अपने अभ्यास में लाना चाहिए सूर्य नमस्कार को। खेलते कूदते समय भी अच्छा अभ्यास शारीरिक का होता है, लेकिन आसन से मन एकाग्रचित होता है और हमारा विकास ही है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, प्रत्येक प्रकार का विकास ही है आसन करने से। आप सबको याद आ गया क्या स्थिति? अभी केवल तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। क्रीड़ा भारती के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत आज हम लोग कार्मेल स्कूल में आज हम लोग फर्स्ट इवेंट स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे सारे टीम, हमारे मंत्री संतोष खत्री, सुधीर आनंद, हमारे नीरज जी, सत्यम जी और केशरी जी सारे उपस्थित रहे यहाँ पर। आज स्कूल में लोग बच्चे लोगों को हर स्टेप को कैसे करना है सूर्य नमस्कार उसके बारे में अच्छी तरह से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया और इस तरह से ही आज हम लोगों ने कार्मेल स्कूल से ही आज हम लोग प्रारंभ किए हैं और आगे आने वाले दिन में और विभिन्न स्कूलों में जा कर के योग का जो सबसे प्रमुख है सूर्य नमस्कार उसको हम लोग सारे बच्चे के बीच में जा कर के बता रहे हैं कि कैसे योग जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट भी हो चुका है और क्रीड़ा भारती का जो उद्देश्य है जो खेल को जो एक पारंपरिक खेल है प्लस जो हमारे विभिन्न खेलों के से हम लोग हर साल करते आते हैं ध्यानचंद जी के जयंती पर तो उस खेल के तहत योग में भी हम लोगों को क्रीड़ा भारती के माध्यम से कराना चाहते हैं बच्चे लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं और आने वाले समय में वो कैसे अपने सेहत को बनाएंगे और सेहत स्वस्थ रहने के लिए अपने को नेशन को भी कैसे डेवलप करेंगे अपना करियर कैसे ओरिएंट करेंगे तो इन सब बातों को योग बहुत ज़्यादा है इसमें का योगदान भी रहता है और क्रीड़ा भारती हर समय तत्पर है। हमारे सारे टीम यहाँ पर आए हुए हैं और आगे स्कूल में भी हम लोग जाएंगे और सभी स्कूलों में बच्चे लोगों को और विभिन्न आपके माध्यम से पूरे शहर को भी ये जानकारी होगी कि कैसे इस योग के साथ सूर्य नमस्कार के साथ जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रीड़ा भारती का डॉक्टर विद्याभूषण, he's our ex-student, so we are very happy to have him with us, and his children also passed out from here. So doctor and his team, they came here and instructed our students regarding the Surya Namaskar. And Surya Namaskar is very important for all of us because it helps the students to have good health as well as discipline. So we are indeed very happy. Thank you so much, all the team members. And we hope our students will practice Surya Namaskar daily. Thank you.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रविंद्र सिंह की स्मृति में मंगलवार को उनके परिजनों ने सदर अस्पताल में कंबल वितरण किया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता स्वर्गीय रविंद्र सिंह की याद में उनके परिवार के लोगों ने मंगलवार को सदर अस्पताल में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया। मौके पर स्वर्गीय सिंह के पुत्र टिंकू सिंह समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि स्वर्गीय रविंद्र सिंह समाज से जुड़े व्यक्ति थे और उन्हीं की याद में जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया जा रहा है। जगह के देखो। पिता श्री रविंद्र प्रसाद सिंह के स्मृति में लगभग 30 कंबल यहां सदर हॉस्पिटल परिसर में बांट रहा है। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआईजी पंकज कंबोज पहुंचे गिरिडीह, नगर व मुफस्सिल थाने का किया निरीक्षण, पुलिस कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाद में श्री कंबोज पत्रकारों से भी हुए मुखातिब। रेशम विभाग की ओर से नगर भवन में आयोजित की गई कार्यशाला, विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यशाला में रहे मौजूद। रेशम किसानों को दी गई आवश्यक जानकारियां। झारखंड ओलंपिक की मशाल पहुंची गिरिडीह, जिला संघ ने मशाल को लेकर निकाली रैली। बाद में इस मशाल को कोडरमा टीम को किया गया सुपुर्द, खिलाड़ियों को दी गई शुभकामनाएं। और कारमेल स्कूल में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित किया गया योग शिविर, सूर्य नमस्कार से छात्र छात्राओं को कराया गया रूबरू, बताए गए इस आसन के फायदे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।